तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपके साथ आयुष। दोस्तों आपको ये बताएं कि अभी फिलहाल दीपावली के मद्देनज़र बहुत सारे कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं भी की जा रही हैं। कुछ कर्मचारियों को आप देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से तोहफे भी दिए जा रहे हैं और बहुत तरह के आप ये देख सकते हैं कि कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छी जो योजनाएँ हैं वो भी आप देखते हैं कि दिवाली के आसपास सुनने को मिलती हैं। लेकिन कुछ ड्यूटी इस तरह की होती हैं जिसको आप कह सकते हैं कि खासतौर से जब फेस्टिव सीज़न होता है तो उनके लिए ये और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है और उन्हीं में से एक डिपार्टमेंट होता है फायर डिपार्टमेंट। स्पेशली दिवाली के समय में फायर डिपार्टमेंट्स को आप देखते हैं कि स्टैंड बाई पर रखा जाता है और इसीलिए इस बार भी दीपावली से पहले इस तरह के जो इंतज़ाम हैं वो प्रदेश के अंदर मुकम्मल किए गए हैं। अब ये इंतज़ाम कैसे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं क्योंकि दीपावली पर दिए जलाना हो या हालांकि पटाखों पर तो फिलहाल बैन लगाया गया है लेकिन ग्रीन पटाखे फिर भी लोग जला रहे हैं तो ऐसे में ये जो ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 24 घंटे अलर्ट पर आपको बता दूं कि फायर डिपार्टमेंट को रखा गया है और 52 कर्मचारी ऐसे हैं फायर डिपार्टमेंट के जिनकी छुट्टियां हैं उनको रद्द कर दिया गया है यानी कि उनको ड्यूटी पर वापस बुलाया गया है ताकि वो अवेलेबल रहें। और दीपावली के लिए जो ये तैयारियाँ हैं वो लगभग सभी बड़े शहरों में इसी प्रकार से देखने को मिल रही हैं और ख़ासतौर से गुरुग्राम या फरीदाबाद इस तरह से या फिर आप देखें आसपास सोनीपत इन सभी जगहों पर जो फायर डिपार्टमेंट है उनको अलर्ट पर रखा गया है। झज्जर में भी इसी तरीके के जो इंतज़ाम है देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो फायर डिपार्टमेंट है उसको पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी तरह की अगर ऐसी कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो तत्काल वहाँ पर जो राहत है वो पहुँचाई जा सके। और ख़ासतौर से दीपावली के समय आप देखते हैं कि अक्सर कुछ इस तरह की घटनाएं हर साल रिपोर्ट होती हैं जिसमें आप देखते हैं कि आगजनी या उसकी वजह से या पटाखों की वजह से अब जो आग है उसकी जो समस्या है वो हुई है और इसलिए ऐसे में जो फायर डिपार्टमेंट है उनकी आवश्यकता रहती है। तो अब यहाँ पर आपको बता दूँ कि अलग अलग जगहों पर क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज आप देख रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटियों को रद्द किया गया है। अब झज्जर में 25, बहादुरगढ़ में 27 कर्मचारी हैं और इन सभी की छुट्टियां जो है कैंसिल कर दी गई हैं, इनको वापस बुला लिया गया है ताकि अलर्ट मोड पर रह सकें और पूरी तरह से जो दीपावली है वो हम और आप सुरक्षित तौर पर मना सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।